हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आई नाम वाले जातक एवं डी नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में वैदिक बाबा को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आई नाम वाले जातक एवं डी नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में अनुकूलता बहुत ज्यादा होती है। इस नाम के जो दोनों जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का आदर बहुत ज्यादा करते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में एक दूसरे की बातों को काटना या एक दूसरे का अपमान करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इस नाम के जो दोनों जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में बेहद आशावादी होते हैं एवं अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा आशा करते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने कीमती समय को बर्बाद करना या अपने समय का मिसयूज करना पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा इस नाम के जो दोनों जातक होते हैं वो कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट या धोखाधड़ी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मित्रों, आई नाम वाले जातक एवं डी नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, यानी कि आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में वैदिक बाबा को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय मां दुर्गे आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।